तो एक बार फिर से आप सभी के सामने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर बार हर शिफ्ट में आ रहे प्रश्नों के पार्ट टू के साथ मैं हाजिर हूँ। नाम अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हर बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे ये माध्यिका से, ये समांतर माध्य से, ये बहुलक से प्रश्न जितने भी हैं ये लगभग लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आइए आपको समझाते हैं कैसे करना होगा इन प्रश्नों को और क्या देखना होगा, समझिएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले तो आप माध्यिका निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है इसको आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब किसमें क्या चीज़ें होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए माध्यिका निकालने के लिए हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे यहाँ पर छात्रों की संख्या लिखी है तो ये है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। हम लोगों के यहाँ पर एक चीज़ चाहिए होती है जिसको हम लोग कहते हैं CF यानी कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है बहुत ध्यान से समझिएगा। आप बारंबारता के पहले पद को ऐसा ही लिख दीजिए एज इट इज, छूना नहीं, 12 का 12 लिख दिया। अब अगले पद के लिए इसको जोड़िए 26 12 38, फिर इसको जोड़िए 38 और 40 78 78, फिर इसको जोड़ लेते हैं 78 और 12 मिलकर 90, यहां से जोड़ते हैं 90 और 100। यानी हमारी जो सबसे आखिरी संचयी बारंबारता आई है वो आई है 100। अब मैं देखता हूं कि अगर ये बारंबारता सम आती है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड करके m निकाल लेते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं। और अगर ये विषम आती, अगर ये क्या होता विषम आती तो इसमें 1 जोड़कर हम 2 से विभाजित कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो 100 जो है वो तो सम है, तो 100 को मैंने सीधे सीधे 2 से विभाजित कर लिया और अपने पास आ गया 50। ये 50 है m, m का मान क्या है 50, m मतलब मोड है यहां पर, तो m का मान आ गया 50। ये बात समझ में आ गई। अब समझिएगा जरा बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही m 50 आ गया, मैं देखता हूं कि ये जो m आया है 50 ये कौन से वाली कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में संचयी बारंबारता में एग्जिस्ट करता होगा। 38 में तो नहीं करता होगा, 38 के बाद वाली यानी कि 78 वाली में एग्जिस्ट करेगा। 50 38 के बाद 39 से लेकर 78 तक सारी चीजें इसमें आएंगी, तो 50 भी इसी में आएगा। अब जैसे ही हम लोग इसको देखते हैं, अब इसको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें ऊपर जो सबसे इसके सामने जो सबसे ऊपर लिखा है इसमें ये A1 है, ये A2 है, या इसी को आप लोअर लिमिट कह सकते हैं, इसी को अपर लिमिट कह सकते हैं, एक ही बात है। यहां पर ये जो 40 लिखी थी ये इसकी बारंबारता थी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी एफ का मान 40, A1 का मान 20, A2 का मान 30। ये बात ठीक है। अच्छा उसके बाद आते हैं इस 78 से ठीक पहले लिखी हुई संचयी बारंबारता, 78 से ठीक पहले लिखी हुई संचयी बारंबारता सी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सी। अब आपके पास सारी चीजों के मान आ गए हैं। A1 क्या है 20, रख दीजिए 20। A1 और A2 का अंतर क्या है 10, रख दीजिए 10। फ्रीक्वेंसी यानी F क्या है 40, और फिर m माइनस c, m क्या है आपके पास 50 और उसमें से अगर c यानी 38 को माइनस करेंगे तो 12। अब एक जीरो से एक जीरो काटिए, 4 से कट गया 3 बार, तो आपके पास इधर आया 20 और इधर आया 3, यानी कि इसकी जो माध्यिका मिलेगी वो क्या मिलेगी 23। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कुछ बेहतरीन सवाल है जिसमें कहता है समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें वर्ग अंतराल भी दिया है और वर्ग अंतराल के साथ आपसे समांतर माध्य पूछा है तो क्या करेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न मिले जिसमें ये समांतर माध्य ज्ञात करना हो और वर्ग अंतराल हो, तो आप ठीक बीचों बीच का वर्ग अंतराल लिखिए। 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35 और 40 से 50 के बीच में 45। सबका गुणा कर लीजिए नीचे वाली संख्या से जो फ्रीक्वेंसी दी है। ये क्या दी है? बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी दी है। इसका मतलब 5 12 बार आएगा, 15 26 बार आएगा, 25 40 बार आएगा, 35 12 बार आएगा, 45 10 बार आएगा। मैं गुणा करता हूँ, 12 पंचे 60, 26 गुणे 15, यहाँ पर कर लेता हूँ तो 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 390। इसमें गुणा करते हैं 25 चौको 100, 1000, 15 तेईस 60, 360 और 12 तेईस 60, 360 और 12 पंचे 60 यानी 360 और 60 420 और यहाँ पर 450। ये गुणा हो गया, सबको जोड़कर जो भी हमारी बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी थी उससे डिवाइड करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हो गया 450, 450 और 450 900,
900 और 1000 1900, 19 2320 सबको जोड़ने पर आ गया 2320, और बटे में किसको देखना है, बटे में जो भी बारंबारता है सबको जोड़कर देखते हैं, मिलकर 50, 50 और 24 और 26, 24 26 50, 50 50 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो यहाँ काटेंगे, 23.2, यानी कि यहाँ पर जो बारंबार जो आपसे माध्य पूछा जाएगा वो कितना आ जाएगा, 23.2, कितना आया, 23.2। चलिए हम आगे के सवाल को लेते हैं जिसमें सेम डेटा पर बहुलक पूछा गया। क्या पूछ लिया गया, बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोड निकालने के लिए क्या करना है, यहां पर आपको संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुलक निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या इसमें लिखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी में यानी कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, उसको आप लिख लीजिए एफ वन। F1 के सामने जो लिखे हैं इसको A1 लिख लो, A2 लिख लो, या फिर मैंने अभी जैसा बोला कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लिख लीजिए। तो अपने पास A1 या लोअर लिमिट जो भी कह सकते हो, A1 A2 कर लो, ठीक रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा A1 A2। तो A1 का मान पता चल गया, उसके बाद F पता चल गया। F1 से ठीक पहले वाला जो नंबर है ये F0 होगा, और F1 के बाद जो लिखा हुआ नंबर है ये F2 होगा। अब बाकी एक बचा एच क्या है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एच क्या है। तो A1 और A2 के बीच का जो अंतर है ना मित्र, वो होगा एच 10। मान रखते हैं A1 का मान क्या है 20, ये 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 है 40, F0 है 26, 40 में से 26 माइनस करेंगे तो 14 मिलेगा, नीचे आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। 2F1 का मतलब 40 दूनी 80, और F0 और F2 यानी 12 और 26 38, आपको 80 में से 38 माइनस कर देना है तो 42 आ जाएगा, 42 नीचे आ गया 42। अब हमारे पास बचा है H, H का मतलब है 10, 14 एकम 14, 14 तिहाई 42, यानी कि ये हो गया 20 और यहां पर हो गया 10/3, और 10/3 का मतलब होता है 3.33। जोड़ेंगे तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 23.33। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है कि बहुलक क्या होगा, वो बहुलक होगा 23.33, क्लियर है। अच्छा, ये जो तीन सवाल थे ये लगभग लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, माध्यिका पर, बहुलक पर और समांतर माध्य पर, जो वर्ग अंतराल के साथ दिए हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। साथ में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि यहां पर आपको मैथ्स के जो बैच मिल रहे हैं, नया पेड बैच लॉन्च हुए हैं। क्या क्या खासियत है, देखिए मैथ का जो बैच है वो ₹650 का अर्थमेटिक का है और ₹349 का एडवांस का है। लेकिन अगर कॉम्बो लेते हैं, कॉम्बो लेते हैं और सैटरडे को ये कॉम्बो लेते हैं, सैटरडे जो होता है, शनिवार जो होता है वो ऑफर दिवस होता है, इस दिन आपको ये दोनों जो है मात्र और मात्र ₹699 के पड़ जाते हैं, 699। मैथ की बात करना, साइंस में अगर आप इंडिविजुअल फिजिक्स लेते हैं तो 249, इंडिविजुअल केमिस्ट्री लेते हैं तो 249, और अगर बायोलॉजी इंडिविजुअल लेते हैं तो 249। लेकिन अगर तीनों को एक साथ लेते हैं कॉम्बो, तो आपको मिलेगा ₹499 मात्र में। इन दोनों में ही अगर आप अनुराग ANURAG अनुराग 786 यानी कि 786 कूपन कोड अप्लाई करके लेते हैं तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो ऑफर हो जाएगा इस प्राइस पे भी, 699 और 499 पे। अब आपको ये देखना है, मैं आपको बता दूं मैथ्स के जो कोर्स हैं उसकी खास बातें क्या है। मैथ्स के कोर्स में जो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो आपको सीखनी चाहिए, जैसा मैं बायलिंगुअल होगा, ये सारी इसकी वो फीचर्स हैं, आप इसको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। कंप्लीट मैं आपको कराएंगे, कैलकुलेशन तक सिखाएंगे कि जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है, टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, डीएस कहाँ लगाना है, यूनिट डिजिट कैसे पकड़ते हैं, कंप्लीट अर्थमेटिक एडवांस DI सब कुछ, टाइप वाइज और लेवल वाइज सब कुछ आपको चीज देखनी है और समझनी। कोर्स की फीस अर्थमेटिक जो है वो इतनी है और एडवांस इतनी है फिलहाल। लेकिन ऑफर डे में यानी कि आप अगर सैटरडे को लेते हैं, सैटरडे को ये फीस भी और कम हो गई, इतनी नहीं, अगर आप ऑफर डे में लेते हैं तो अर्थमेटिक और एडवांस का जो कॉम्बो है वो आपको मिल जाता है ₹699 में, मात्र ₹699 में, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये फीस भी कम हो चुकी है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक का कोर्स लेना चाहते हैं तो अर्थमेटिक के कोर्स की फीस ₹650
और अगर एडवांस का कोर्स लेना चाहते हैं तो इसकी फीस है 349 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बो आपको जो जोड़ कर पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन अगर आप सैटरडे को जिस दिन 50% ऑफ होगा अगर आप लेते हैं तो ये कॉम्बो आपको मात्र 699 में पड़ जाएगा। और अगर कूपन कोड याद रखिएगा, कूपन कोड तो भूलना ही नहीं कि अनुराग 786, अगर कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो इस पे भी लग जाएगा। क्लियर, सवालों के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान देना है, कौन से प्रश्न आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं वो सारी चीजें तो होंगी। आपको डेली मैं इस प्रकार के वीडियोस देता रहूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।